आस्ती एक निजी घटना होती है। कोई भी आस्तिक भक्त मूर्ति की पूजा नहीं करता, अपने इष्ट देव की पूजा करता है। प्रतीक के साथ बड़ी जटिलता जुड़ी हुई है। हिंदू हजार तीर्थ खोजते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, ये सब अपना अपना प्रतीक है, लेकिन बहुत से समुदाय के लोगों को ये समझ में नहीं आती कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या क्या मतलब है। प्रतीक इस आनंद की ओर इशारा करते हैं। प्रतीक का अर्थ होता है कि उसका सहारे हर एक प्राणी किसी यात्रा पर चला जा सकता है। प्रतीक खुद मंजिल नहीं है, लेकिन हिंदू की मूर्ति हिंदू के लिए प्रतीक है। उन्होंने अपने भावों को संजोया है। कोई भी आस्तिक भक्त मूर्ति की पूजा नहीं करता, वह मूर्ति में अपना इष्ट देव की पूजा करता है। जब तक अपना भास रहे तब तक अपने इष्ट की पूजा करते रहना चाहिए। मान लो कि जब कोई प्राणी किसी पुस्तक या चिट्ठी को पढ़ता है तो कागज स्याही को थोड़ा ही पढ़ता है, कागज स्याही को थोड़ा ही पढ़ता है, आप ही को उस पर लिखे हुए संकेत के द्वारा उसके अर्थ को पढ़ता है। कागज स्याही अक्षर तो उस अर्थ को समझाने के लिए चिन्ह मात्र होते हैं। अर्थ तो पढ़ने वाले की बुद्धि में परंपरा से ही विद्यमान है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म सनातन में हमारे मूर्ति को संकेत बना करके अपने इष्ट की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते। इसी प्रकार से शास्त्र ग्रंथ वेद पुराणों में समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रतीक है जिनमें कुछ सत्य के इशारे छिपे हुए रहते हैं, कुछ इशारे सत्य की तरफ छिपे हुए हैं। इन्हें पढ़ने वाला अपने इष्ट की वाणी समझ करके पढ़ता है और उसी से उनका सत्कार आदर सम्मान करता है। हिंदू की मूर्ति हिंदू के लिए प्रतीक है। प्रतीक का भाव मूल्य पर निर्भर होता है, ये एक निजी बात है जो बहुत जानते हैं। जिसने उसका लगाव है, जिसके साथ उनका लगाव है, जिनके उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है, इसलिए किसी भी के प्रतीक को किसी के प्रतीक को खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। शायद किसी के लिए साधारण है, लेकिन जिसके लिए वह प्रतीक है उसके लिए बड़े अमूल्य है। धार्मिक व्यक्ति को इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि जो मेरे लिए प्रतीक नहीं है मैं दूसरे के लिए प्रतीक हो सकता है। उसको सार्वजनिक रूप से सिद्ध करने का कोई भी तो उपाय नहीं। वह अपनी अंतर भावना श्रद्धा की विश्वास की बात है, वह बड़ी गहन भीतर की घटना है। उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, बाहर से कोई उपाय नहीं होता। प्रत्येक निजी घटना है, किसी को लिए पीपल का वृक्ष भी पूजा के लिए प्रतीक बन जाते हैं। नीम के वृक्ष भी पूजा करते हैं लोग,
कोई केला की पूजा करता है, कोई नीम की करता है, बौड़ की करता है, पीपल की करता है। उसके मत कहना कि क्या वृक्षों की पूजा करते हो, क्योंकि वो अपना भावों को सजो करके अपना पति को मानता है, पूजा करता है। सवाल ये नहीं कि तुम किसी की पूजा कर रहे हो, सवाल तो अंतर श्रद्धा की है, अंतर भावना की है। किसी भी भाव में पूजा हो जाए, किसी भी श्रद्धा से किसी की पूजा हो जाए, वही ठीक है। उसको प्रतीक अमूल्य है, उनकी श्रद्धा अमूल्य है। श्रद्धा व्यक्ति नहीं, श्रद्धा हो जाती है। बड़ी अद्भुत बात है, कोई नाच करके कहता है, कोई गा करके कहता है, कोई गा करके कहता है, कोई मौन होकर कहता है, सभी उसकी तरफ इशारा है। जैसे साधन साधक भाव करता है, जैसे कोई भी साधक अपना भाव करता है, क्योंकि हमारी शक्ति सीमित होती है, लेकिन परमात्मा परिपूर्ण शक्ति है। वो परमात्मा भी है, गुरु भी है। उनको गुरु कहो चाहे परमात्मा कहो, गुरु में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। परों को काट दो तो गुरु के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई साक्षी नहीं, परमात्मा। पराई आत्मा है, भाई हमारी आत्मा है, साक्षी है, वो हमें देखती है, हम उनको नहीं देख पा रहे, यही हमारे बीच में विरोधाभास है। गुरु हमें देख रहे हैं, लेकिन गुरु की जो विचारधारा है वो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी खोपड़ी में कचरा भरा हुआ है। हम उन गुरु को मनुष्य रूप में देखते हैं कि उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, औषधि खाता है, बीमार होता है। ये कैसे परमात्मा हो सकता है? हो सकता है? गुरु मनुष्य नहीं है। गुरु पारब्रह्म परमात्मा काला अतीत होते हैं, जिनकी पूजा होती है। उसको गुरु ब्रह्मा भी दिखाई देते हैं, विष्णु भी दिखाई देते हैं, और शिव भी दिखाई देते हैं। जैसी होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन, आंख से गहरा दर्शन नहीं होगा। इसलिए अपनी आंखों की जाली को हटाना पड़ेगा। जिस रोज आंखों की जाली हटी, उसी दिन गुरु पारब्रह्म परमात्मा काला अतीत दिखाई देगा। ये भाव ही करते हैं। जैसे कोई भाव करता है, वैसे ही भाव घट जाते हैं। जो पूर्ण से पूर्ण हो रहा है वही केवल जानता है, बाकी सब अनुमान अनुमान है। उसका नाम लेने में बड़ा आनंद आता है, और आनंद आता है वो ही कह सकता कि आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया। सत भी मिल गया और गुरु भी मिल गया। उसका नाम लेने में उनका द्वार खुल जाता है। लेकिन प्राणी की जानकारी भी तो उधार है, बासी है, हजारों हाथों से गुजर के आती है। किताबी ज्ञान अकली कुश्ती, जो एक ही शब्द तक जिंदगी में लेके बैठ गया, वो जिंदगी भर तक वही सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन अपना खुद का अनुभव नहीं है। जैसे मैं आपके हाथ में एक फूल दे दूं और वो ही फूल हजारों हाथों से गुजर के मेरे पास आएगा, तो शायद मैं उस फूल को पहचानने से इनकार कर दूंगा, ये कि फूल वो नहीं जो मैंने दिया था, क्योंकि मैंने उस फूल को खिला हुआ दिया था, बड़ा सुगंध वाला दिया था, लेकिन अब उसमें ना तो सुगंध होगी और ना वो खिलावट होगी। मेरे पास आएगा हजारों हाथों से गुजर के, तो वो फूल मरा हुआ आएगा।
तो मैं भी पहचानने से इनकार कर दूंगा कि ये फूल वो ही जो मैंने दिया था। ऐसे ही हजारों हाथों से गुजर करके ज्ञान आता है। आदमी अकली कुश्ती करते हैं, किताबी ज्ञान, उधार भाषा ज्ञान, वो किसी का ज्ञान है, वो तुम्हारा अनुभव नहीं। जिस रोज तुम्हारा अनुभव जागेगा, जिस रोज तुम्हारा ज्ञान की चोट पड़ेगी, कुम्हार एक घड़ा को घड़ता है, एक हाथ अंदर होता है, एक हाथ बाहर होता है, बाहर से थपथपी मारता है, भीतर से रक्षा करता है। सतगुरु शब्द ही सेल है, कोई सहे तमो का साथ, कायर ऊपर वो चले तो वो हो जाए पर बात, कायर के ऊपर सतगुरु का शब्द नहीं चल सकता, क्योंकि भगोड़ा हो जाएगा, जरा सी बात पे भाग जाएगा, प्लानिंग कर जाएगा, ये भी कोई बात है। पूर्ण में से पूर्ण रहता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाता है, इसलिए गरीब गुरु परिपूर्ण है। श्री गुरु चरण कमल गंग धारा, गुरु के चरणारवंद तो गंगा की धारा है, जहां ही गुरु विराजमान हो गए वहीं गंगा विराजमान आ जाती है, वहां ही गंगा लहराने लगती है। जहां भी गुरु बैठ गए वो ही धार्मिक स्थान होता है, बाकी तो तुम्हारा मंदिर कुछ भी बनाओ, वो तुम्हारा ही बनाया हुआ है, तुम्हें उनकी पूजा करते रहो, तुम्हें उनके भाव पे गुरु के पास जाओ, तो अपना मस्तक को लेके मत जाना, अपना मस्तक को घर ही रखे आना, क्योंकि गुरु की शिक्षा मस्तक से नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि मस्तक तोड़ेगा फोड़ेगा कटिशन करेगा, हजार बार सोचेगा उत्तर प्रति उत्तर देगा। गुरु के पास जाओ तो हृदय लेके जाना कि गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए ना, मोहनदास की सीख है यही राख मन माई, इतना ही काफी है, बाकी सब अनुमान अनुमान है। उसका नाम लेने में बड़ा आनंद आता है, उसका नाम लेते ही द्वार खुल जाता है। द्वार का अर्थ है गुरुद्वारा, गुरु का द्वार, गुरु के द्वार में गुजर गया वो वापस कैसे आए, जो द्वार में गुजर गया वो चला गया, जो चला गया वापस कैसे आए। हम मंदिरों में जाते हैं, दो फूल छुड़ाओ छुटकारा पाओ, हे प्रभु माफ करना, समय नहीं, समय तुम्हारा गुलाम नहीं, गुरु के पास बैठने का तो समय ही नहीं, तो मेरे पास गुरु के पास बैठोगे तो इंक्वायरी करोगे, कई बातें पूछोगे, पूछ के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं, ज्ञान तो अथड़ा की चोट है। सतगुरु शब्द ही सेल है, कोई सहे दमो का साध, कायर ऊपर बोत ले तो वो हो जाए बात। सतगुरु शब्द ही तीर है, तन मन कियो है छेद, बेदर जी समझे नहीं, बिरह न पावे भेद। गुरु के पास जाने का अर्थ होता है कि पास बैठ करके अनुभव करो कि गुरु क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है। इसलिए लेकिन प्राणी की जानकारी भी तो उधार है, बासी है, यही तो मुसीबत है। जिन सब में राम ही भरपूर समाया हुआ है, उनमें सीता भी समाई हुई है, क्योंकि जिसमें उसकी शक्ति उतरती है वही दोहरी ऊर्जा से उपलब्ध होता है। अभिष्ट हो जाता है, उसमें सिर्फ राम ही नहीं उतरता, उसमें सीता भी उतराती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है सीता राम, राधे श्याम, पहले राधे का नाम आएगा फिर श्याम का नाम आएगा, पहले सीता का नाम आएगा फिर
राम का नाम आएगा। सीता भी उत्तर आती है और राम भी, बड़े कहन पति कहिए। अगर राम ही उतरे तो व्यक्ति अधूरा होगा। राम की अकेले मूर्ति खड़ी करके देखना, कभी अधूरी लगती है। कृष्ण की मूर्ति अधूरी लगती है, अधूरी होकर के विध्वंस हो जाती है। उसमें स्त्री की महिमा नहीं उतरेगी और स्त्री का सोम रूप नहीं उतरेगा। इसलिए राम अकेले सीता के बिना अधूरे होते हैं। राम की मूर्ति को अकेले खड़े करके देखना बहुत ही अधूरी लगती है। राम सीता के साथ ही पूरे लगेंगे, क्योंकि स्तरण शक्ति का एक दूसरा आयाम है जो शक्ति का संतुलन देता है। पुरुष की अकेली शक्ति हिटलर जैसी होगी, जिसे विध्वंस होगा उसे संतुलन देने की शक्ति चाहिए। माँ जन्मदात्री है, शक्ति जन्मदात्री है, इसलिए हम शक्ति की पूजा करते हैं। कहते हैं ना, तुमेव माता, पहले माता आती है, पिता दो नंबर होता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। अवरण वर्णी निहारी आत्मा
अवरण वरण निहारी आत्मा एक ही उदय होती छिप गई उदय होई होती छिप जानी जाको ढूंढती फिरे भटकता जाको ढूंढती फिरे भटकता सच तो नाम है दानु झूठम के सच को पहचान झूठ सच तो नाम है दानु झूठम के सच को पहचान कहन सुनन में तो एक ही कहन सुनन में तो एक ही पढ़ समझी सोची ब्रह्म जानी जाको ढूंढती फिरे भटकता जाको ढूंढती फिरे भटकता बाहर देखन हारो है भरपूर ढूंढू कहनारो भीतर बाहर देखन हारो है भरपूर ढूंढू कहनारो मोहनदास के एक अखंड है मोहनदास के एक अखंड है जू पाला गली हो गयो पानी जू पाला गली हो गयो पानी जाको ढूंढती फिरे भटकता जाको ढूंढती फिरे भटकता तू तो जीवन मुक्ति है प्राणी मुक्ति की तज आस वासना मुक्ति की तज आस वासना परम भूल साथी मत जाने परम भूल साथी मत जाने जाको ढूंढती फिरे भटकता जाको ढूंढती फिरे भटकता जाको ढूंढती फिरे भटकता।